नूरपुर में मनोनीत पार्षदों को लेकर कई दिनों से चली आ रही कश्मकश उनके शपथ के बाद संपन्न हो गई। इस शपथ समारोह में नूरपुर के विधायक राकेश पठानी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा ने की। नूरपुर में मनोनीत पार्षदों को लेकर कई दिनों से चल रही कश्मकश का उनके शपथ लेने के बाद समापन हो गया। इस शपथ समारोह में नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा ने की। एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर द्वारा मनोनीत पार्षद अरविंद शास्त्री, केवल कृष्ण, जीवन महाजन, विनोद महाजन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विधायक राकेश पठानिया ने मनोनीत पार्षदों को बधाई दी और राजनीति से ऊपर उठकर नगर परिषद को विकास कार्यों में गति लाने का आह्वान किया। पठानिया ने कहा कि नूरपुर क्षेत्र कई प्रकार की समस्याओं से दो चार हो रहा है, जिसमें स्वच्छता, आवारा जानवर और बंदरों का आतंक प्रमुख है। इसके लिए उन्होंने शीघ्र ठोस कदम उठाने की बात कही। वहीं कई वर्षों से सीवरेज समस्या से जूझ रहे शहर में 3 माह के भीतर सीवरेज कार्य को पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है कि जहां एक मुश्त सीवरेज कार्य को पूरा करने के लिए 5 करोड़ की राशि विभाग को सौंपी गई है। आज नूरपुर में नए 4 पार्षदों ने जो मनोनीत सरकार की तरफ से नॉमिनेट की है, उनकी आज शपथ समारोह हुआ। काफी महीनों से लटका हुआ था और कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये लटका रहा। आज शपथ हो गई है, 4 नए पार्षदों ने जो है शपथ ली है। आज विधिवत रूप से इसकी जो एसडीएम साहब ने गोद का प्रक्रिया पूरा की। आगे आगे इन कमेटी को एक प्रायोरिटी पे काम करना शुरू कर रहे हैं और नूरपुर शहर को एक सुंदर, स्वच्छ और हरा शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बस ये चैलेंजेस को मीट करने के लिए यहाँ पे आए। आज सुबह, कल ही रात को दिल्ली से आए हूँ, आज सुबह 8:30 से शहर में हूँ और चैलेंजेस को मीट करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि नूरपुर को हम बिल्कुल गायों से मुक्त, गोबर से मुक्त, गंदगी से मुक्त, बंदरों से मुक्त, ये सब काम हमने अभी शुरू कर दिए हैं। इसको बहुत जल्द विधायक राकेश पठानी ने इस अवसर पर शहर के 32 आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैंक्शन पत्र भी प्रदान किए। पठानी ने कहा कि इस योजना के तहत हर परिवार को 1,65,000 रुपए दिए जाएंगे तथा 4 किस्तों में इसका भुगतान परिवारों को किया जाएगा। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।